अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, एनएसजेडी हियर। और इस वक्त रात के 1 बज रहे हैं, लेकिन ड्यू टू सर्टेन सर्कमस्टेंसेस मुझे मजबूरन ये वीडियो बनानी पड़ रही है, और जल्द से जल्द ये वीडियो मैं अपलोड करूँगा, मेरे ख्याल कल ही अपलोड कर लूँगा। अच्छा, सो लेट्स गेट स्ट्रेट टू द पॉइंट। जो लोग मुझे फॉलो नहीं कर रहे थे, उनके लिए मैं ये बात रिपीट कर देता हूँ कि मैं सिंस रमज़ान, मेरे ख्याल रमज़ान के स्टार्ट में मैंने शुरू की थी अपनी डाइट, तो 4 महीने हो गए हैं मैं कंसिस्टेंटली एक फ़ैट लॉस डाइट पे, और आहिस्ता आहिस्ता मेरे जिस्म से चर्बी उतर रही है, और मैं जिसको बोलते हैं कटिंग फेस, बॉडी बिल्डिंग में कटिंग फेस में गुजर रहा हूँ, और काफ़ी ज़्यादा मैंने फ़ैट लूज़ कर लिया, और अब लास्ट फ्यू स्टेजेस रह गए हैं जिसमें मैं अराउंड 8% बॉडी फैट पे हूँ, मे बी 7, लेकिन मेरे ख्याल 8-7.5 तक, और काफ़ी लीन हुआ हुआ हूँ। अच्छा, बात शुरू कैसे होती है, लोग आके मुझे कहना शुरू हो गए हैं जब मुझे देखते हैं वर्किंग आउट, जिम में लाइटिंग भी तो बहुत अच्छी होती है, पंप आया हुआ होता है, कट्स बहुत ज़्यादा वाजे हुए होते हैं क्योंकि बॉडी फैट भी लो है, लोग कहना शुरू हो गए हैं जी रोइड्स, स्टीरॉइड दे रहा है बंदा। अच्छा ठीक है, एक सेकंड, पहली बात मेरी बात लोग सुन लें, मेरी हाइट है 5'6", छोटा सा बंदा हूँ मैं, बिल्कुल लंबा नहीं हूँ मैं। मेरा वेट है इस वक्त 60.8 kg, जो कल और थोड़ा सा गिर गया होगा तो 60.7 तक होगा कल। फॉर 5'6" गाय 60.7 kg, आपको वाकई में लगता है ये बंदा स्टीरॉइड्स लेता है? मेरा बाजू इस वक्त 15 से भी कम हुआ है, 15 इंचेस से कम हुआ है, वाकई में आपको लगता है कि ये बंदा स्टीरॉइड्स ले रहा है? आपकी फेसबुक पे जो डॉक्टर्स PhDs हम्बल बॉडी बिल्डर जो बैठे हुए हैं आपके, जो मेरी हाइट पे 90 kg 95 kg का वजन रखा हुआ है, उनके बारे में आपको क्या ख्याल है, अगर आपका ख्याल है कि मैं स्टीरॉइड ले रहा हूँ? सो यह आप लोगों को पता है कि मेरी डाइट के इस वक्त इन, अच्छा खैर वो बात छोड़ दें, मैं दूसरी बात पे आता हूँ। रॉयड स्टीरॉयड वाली बात अलग होगी, वो थोड़ी सी फ़नी बात है, मुझे हंसी आती है वो सुन के। सेकेंड बात, जब लोग देखते हैं कि यार इतना लो बॉडी फैट है, तो वो क्या बहाना मारते हैं, वो कहते हैं यार इस बंदे की वो जेनेटिक्स हैं, आज वो स्किनी गाय जेनेटिक्स नहीं होती, जो बंदा बस पतला हो, जो बंदा बस आइसक्रीम खाए, चॉकलेट्स खाए, केक खाए, पराठे खाए, वो पतला ही रहता है, उसके हर वक्त सिक्स पैक रहता है बंदा, कहते वो लोग कहते हैं कि हाँ इसकी ये वो जेनेटिक्स हैं, तो इसलिए ये बंदा ना इतना लीन है, वरना मेहनत तो मैं भी करता हूँ, मेरे क्यों नहीं ऐब्स, इसके क्यों ऐब्स हैं? और भाई जान, मैं दिन में 1500 कैलोरीज खा रहा हूँ, जो कि अगले हफ्ते 1400 कैलोरीज हो जाएंगी। आप जो दिन में एक माइटी सिंगर फ्राइज और कोक का एक मील खाते हैं, उसकी मील की अलहदा ही मतलब कि 1500 कैलोरीज हो गई हैं, और मैं एक दिन का गुजारा 1500 कैलोरीज पे कर रहा हूँ। आप एक दिन मेरे शूज़ में गुजारने की कोशिश करें, और फिर आके आप बातें करें कि किसकी जेनेटिक्स है। जेनेटिक्स तो ऐसे कह रहे हैं जैसे मैं जब पैदा हुआ था तो डॉक्टर ने आके मेरी माँ को बोला, वाह यार क्या जेनेटिक्स है, ऐब्स है यार बेबी के, क्या बात है यार। यार मतलब थोड़ा बंदा दिमाग से सोचता है कि यार ये बंदा कर क्या रहा है, बंदे की डाइट क्या है, बंदे की कितने सालों से वर्कआउट कर रहा है और कितनी देर से डाइट कर रहा है। मैंने टोटल 10-11 kg लूज़ किया मैंने, तब जाके मैं इस बॉडी फैट परसेंटेज पे आया हूँ। तो मेरा टेक होम मैसेज ये है कि आप लोग भी मेहनत तो कर ही रहे हैं, सब मेहनत करते हैं, लेकिन आप लोग अपने आप को एजुकेट करें अबाउट फिटनेस, अबाउट बॉडी बिल्डिंग, वरना आप जिधर भी जाएंगे, जिस फील्ड ऑफ लाइफ में जाएंगे, आप क्रिकेट में जाएंगे, आपसे कोई बंदा बेहतर बॉलिंग कराएगा, आप बोलेंगे यार नहीं नहीं इसके जेनेटिक्स है यार, ये नहीं, ये मैं इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि यार इसकी वो हाइट इस तरह की है, तो इसलिए वो तेज़ बॉल फेंकता है, तो मतलब हद है यार, आप खुद थोड़ी मेहनत करो, खुद थोड़ी रिसर्च करो, अपनी हर चीज़ आप परफेक्ट करो, फिर आके आप बातें करो। बाय द वे, इस वक्त मेरे दिन के खाने ख़त्म हो चुके हैं, रात के 1 बज रहे हैं, मुझे भूख लग रही है, और मैं क्या कर रहा हूँ, ब्रांच चेंज अमीनो एसिड्स, अगर आपने सुना हुआ है, एक सप्लीमेंट होता है जो बेसिकली पानी में आप डालते हैं और जूस जैसा फ्लेवर आ जाता है, इससे रिकवरी में हेल्प करता है, इससे मैं अपना पेट भर रहा हूँ क्योंकि मेरे दिन के खाने ख़त्म हो गए, इसमें कोई कैलोरीज नहीं होती, ये मैं पीऊँगा, पानी पीऊँगा मैं, और ये चीज़ें बकवास पीता रहूँगा मैं जब तक मुझे नींद नहीं आएगी, क्योंकि मुझे भूख लग रही है और किसी तरीके से अपने पेट को भरना है। तो इस तरह की चीज़ें मुझे करनी पड़ती हैं रोज़, जस्ट टू मेक श्योर दैट आई एम लूजिंग फैट। लेकिन आप आके बोल दें कि नहीं यार जेनेटिक्स हैं, नहीं यार स्टेरॉइड्स हैं, मतलब हद होती है यार, तो आप मेरी जितनी आप मेहनत करें तो शायद इसके आसपास आप आ जाएँ, नेचुरली, आई एम सेइंग नेचुरली, वैसे तो आ जाएंगे आप, इफ़ यू नो व्हाट आई मीन। सो यह पहले आप अपनी रिसर्च करें, अपनी आप हर चीज़, डाइट, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज परफेक्ट करें, 6 साल मेरे जैसे लगाएं जिम में, फिर आके आप बातें करें यार, या इसकी जेनेटिक्स है या स्टेरॉइड्स है, और फिर जाके मे बी यू हैव सम कंडीशन लाइक दिस। सो या दिस इज एनएसजेडी ओवर एंड आउट।